हेलो मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं समझ रही हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ एकदम आप सबको ये ठंडी वाला मेरा रेसिपी बहुत ही पसंद आएंगे। ये कुरकुरी और क्रंची, आप पूड़ियाँ, कचौरियाँ और जितने स्नैक्स में आते हैं समोसे, सारे चीज़ आप भूल जाएंगे खाना। ये एक बार बना के हफ्तों भर खाएं, चाय के साथ, चटनी के साथ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के रेडी हो गया है और मिनटों में। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बाउल सूजी ले लिया है। ये सूजी आप मोटे पतले कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ग्राइंड भी नहीं करना है। डायरेक्ट आप सूजी ले लो, कढ़ाई में डाल दो और एक उबली हुई आलू, आलू थोड़ी येलो लग रही है क्योंकि मैंने हल्दी डाल के उबाला है, और आप ना एक से दो भी आलू ले सकते हो, और एक बाउल में आप एक आलू भी लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके गैस पे चढ़ा दी हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, और पानी अगर गर्म रहे तो बेस्ट है, और नहीं है तो नीचे कढ़ाई में तो आपका आँच लग ही रहा है गैस का, तो ये धीमी आँच पे आपको करना है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार में पानी आप एग्जॉर्ब करना है, क्योंकि सूजी पानी बहुत पीती है। आप डायरेक्ट डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, और अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो पता चलेंगे कि कितना पानी इनको डालना है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे हलवा बना के छोड़ना नहीं है, इनका बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनाना है जो कि बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही क्रंची बनती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके आप चलाते रहो, और जब आपको लगे थोड़ा सा सूजी मेरी मतलब कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो आप ना एक जॉब पानी करने को हो, मतलब पूरे पकना जाए उससे पहले ही उबली आलू, मैंने एक जो आपको दिखाया एक उबली आलू, मतलब ये उबली आलू है, कच्ची आलू नहीं है। कच्ची आलू अगर रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि सूजी को आपको ढक के पकाना होगा 5 मिनट तक। और यहाँ पे अगर आपको तुरंत बनाना है तो उबली रहेगा तो बेस्ट रहेगा, तो मैंने अदरक वाले जो होते हैं ग्रेटर से, उसी से मैं ऐसे ग्रेट कर रही हूँ, गुठलियाँ ना पड़े इसीलिए ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा सूखा हो चला है, तो क्योंकि सूजी बहुत पानी पीती है ना, तो आपको पता अंदाज़ा नहीं आएगा। तो मिला जुला के एक बाउल सूजी में लगभग 2.5 बाउल पानी लगा था, यानी 2 बाउल और आधा बाउल। तो याद रखिएगा 1 बाउल सूजी में 2 बाउल और आधा बाउल पानी पूरा लगा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मेरा हो चुका है, अब इसी में चलते हैं कुछ सामान डालते हैं। यहाँ नमक मैंने डाला क्योंकि ये चटपटा और नमकीन और मसालेदार थोड़ा बनाऊँगी, तो यहाँ पे नमक डाल के फिर मैं इसी में डालूँगी थोड़ा सा, आधा चम्मच के लगभग मैं डालूँगी इसमें। सारे मसाले मेरे आधे आधे चम्मच ही रहेंगे, तो आधे चम्मच मैं डालूँगी गरम मसाला, और फ्लेवर के लिए मेरे घर के बने हुए गरम मसाले, आधे चम्मच डालूँगी मिर्ची पाउडर, आप दरदरा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो, आधे थोड़ी सी मैंने डाली है धनिया पाउडर, और चुटकी भर डाला मैंने ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, और कटी हुई हरी मिर्च डाली, और जीरा पाउडर मैंने डाला, गरम मसाले में मैंने मिक्स जीरा पाउडर रखा था वो डाल दें, आपके पास ना हो तो खड़े भी डाल सकते हैं। और इसमें ना आप चाहे तो दोस्तों, ये मैंने हल्दी भी डाला है, और इसमें ना आप चाहे तो सारे मसाले के साथ साथ थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर खट्टापन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, नहीं तो इस तरीके की आप बना सकते हैं, मतलब फ्लेवर मसाले की अच्छी खुशबू आ रही है, और आपको जिस भी फ्लेवर की आपको खाना है स्नैक्स, तो वो भी आप मसाले जैसे पास्ता या मैगी कोई भी ऐसे फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिफाइन ऑयल लगा लिया है, और मेरा पक चुका है, पक के रेडी हो गया है। फिर मुझे कढ़ाई से छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरी उबली आलू थी, मैंने थाली में तेल लगाकर और ऐसे सारा बैटर इसी में निकाल के सेट कर दिया है। अब इसको थपथपा के मैं अच्छे से बैठा रही हूँ। इसको अगर फ्रिज में रखना है तो 2 मिनट आप फ्रिज में रख दीजिए भाप निकलने के बाद, नहीं तो आप 2 घंटे इसको छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर।
तो चलिए इसको थोड़ा सा क्रंची कैसे बनाया जाए ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पोहा, पोहा यानी ये मेरे घर का चूड़ा है, चूड़ा पोहा जो भी बोलते हैं जो धान से कूटे जाते हैं। तो ये अभी इसको मुझे पाउडर बनाना है। अगर आपके पास चूड़े या पोहे कुछ ऐसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो ब्रेड का चूरा भी यूज कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या करें, तो आप सूजी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप कोई भी ऐसे दरदरा पीस लीजिए, मूंगफली का दाना जैसे कि उसको दरदरा थोड़ा सा पीस लीजिए, ऊपर से कोटिंग करने के लिए क्रंची ज़्यादा आती, बट ये चूड़े से बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगी थी, इससे बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने एकदम बारीक जैसा पीस लिया है, थोड़ा दरदरा टाइप का, और एकदम महीन नहीं किया है, थोड़ा दरदरा टाइप मैंने पीसा है जैसे सूजी बड़ी वाली रहती है। तो यहाँ पे अब इसको रखेंगे साइड में, और तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सेट होने के बाद 2 घंटे बाद मैं इसको देख रही हूँ, अब यहाँ पे एकदम सेट हो चुका है, एकदम टाइट। में चाकू की मदद से आप बर्फ़ी का आकार, कचौरी का आकार, या गोला गोला जो भी आप आकार देना चाहो इसका शेप दे सकते हैं। तो मैं गोला गोला क्रंची अच्छे से लुक आए, देखने में क्रंची लगे, मतलब खाने में बच्चों को बिस्किट टाइप, मैं ऐसा काट रही हूँ। तो ये ऐसे आप काट के मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ कितना अच्छा से सेट हुआ है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो साइड साइड में है ऐसे निकाल दीजिए, और ये देखिए अभी इतने से ही काम नहीं बनेगा, चलिए इसमें इसको थोड़ा सा कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे चूड़ा मैंने जो पीस के लिए थे, तो ये चूड़ा को पलट लेंगे कोई बाउल में, और अब इसमें डालेंगे 1-2 सामान जैसे कि नमक, और क्योंकि फीका लगेगा ना ऐसे कर देंगे, नमक और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और ये डालने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे डाली मैंने जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर, दोनों एक ही में मिक्स था, और ऐसे इसको मिला लेंगे। और मिलाने के बाद मैं डायरेक्ट अब इसी में मतलब थोड़ा दबा दबा के इसमें कोटिंग करना है चूड़े पे यानी पोहे में। तो ऐसे कोटिंग करोगे ना तो ऊपर से एकदम क्रंची और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, कोई भी गेस्ट आए फट से बना के ऐसे खिला सकते हो, और अगर आने वाले हैं तो रख सकते हो बना के, हफ्ते भर ये चलने वाली स्नैक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये शाम को खाने वाली और सुबह में नाश्ते में कुछ भी आप यूज करिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, और क्योंकि बहुत ही बेस्ट होती है हेल्थ के लिए, ठंडी आ रही है इसीलिए मस्टर्ड ऑयल हमेशा यूज हम ठंडी भर करेंगे, रिफाइन से हम थोड़ा दूर रहते हैं, हमारे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्रंची एकदम हो गई है गोल्डन ब्राउन तक, मुझे फ्राई करना है। फ्राई करने से इसके, और हाँ एकदम गैस स्लो ही रखना है, यानी कि पहले तो स्लो तेज़ रखना है, क्योंकि पहले हम ऑयल में डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा ना ऑयल, तो ये मतलब तेल तो नहीं पिएगा बट थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो आप पहले तेज़ रखिएगा फिर धीमी आँच पे करके इसको तल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रीन ग्रीन चटनी, टमाटर धनिया पत्ती की, हल्का सा मैंने फूड कलर डाल दिया है जो कि देखने में थोड़ी खूबसूरत लगी चटनी। तो यहाँ पे देखिए मेरी क्रंची स्नैक्स बनके रेडी हो गया है, देखने में खुद ही लग रहा है आपको बहुत ही टेस्टी। तो इसको चटनी से खाएं या चाय से खाएं, क्योंकि ये खुद ही इतनी टेस्टी इतनी नमकीन है कि कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे ऐसे खाएँ या तो फिर तोड़ के चटनी लगा के खाएँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये रेसिपी आप सबको बहुत 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 ही पसंद आएंगे। यहाँ पे देखिए ये कुरकुरी क्रंची काश खिला पाते आप सबको, तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट। अगर अच्छा लगे दोस्तों मेरा रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।